ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद कन हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बण आवै काबले अदब परम सन्मान योग छतर चवर तख दिमालक साहिब सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश मेरा अमृत दा सदका और आप देश विदेश की धरती ते वसदियां होईयां गुरु संगतां दे प्यार सहयोग दे नाल जो अजीत अदारे दे वल्लों गुरबाणी नूं समझण और गुर इतिहास नाल जुड़न दा एक विशेष उपराला कीता गया है आओ उसे दे तहत जो अज तीसरे गुरदेव धन श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी निमाणियां दे मान नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे गुरदेव धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा समुचे संसार दे अंदर नानक नाम लेवा संगतां आप गुरु के प्यारे बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मना रहे हो आओ सतगुरां दे पावन पवित्र जीवन इतिहास गुरु दाते दे कीते होए पर उपकारां नूं आपां जानण दा समझण दा और चेते करन दा यतन करना है तो करो कृपा बख्शो असीस विचारां दी प्रारंभता करन तो पहलां सहबे कमाल कृपालू पिता बादशाह दरवेश पुत्रां दे दानी अमृत के दाते कादरे हरकार बेकसारा यार हक रा गंजूर जुमला फैजे नूर बाजां वाले सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी द्वारा बख्शिश कीती गई फतेह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणा कमलां दा ध्यान तरदिया होया दोवें हथ जोड़ बा अदब सीस चुका के सारे आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिस दाते नूं गुरु नानक दे घर दे विच तीसरे जामे दे रूप दे विच तीसरे स्वरूप दे विच ओ जोत मालक दे अंदर टिकी और सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी ने जो बख्शिशां जो रहमतां कीतियां सतगुरां दे जदों असीं जीवन इतिहास की गल करदे हां तां गुरु पातशाह महाराज का प्रकाश बाबा तेज पाण जी जो पिता ने और जिन्हां दा जदों असीं गुरबाणी दे अंदर जिक्र पढ़ांगे तां उत्थे भट्ट साहिबान ने सवैया दे अंदर सतगुरां दे पिता दा नाम भी वरत्या है माता लक्ष्मी जी उन्हां दी कुख तों 1479 ईस्वी सन धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह तों 10 साल बाद क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज का प्रकाश 1469 का है ते धन गुरु अमरदास महाराज का जो प्रकाश है वह 1479 का है शरीर करके मालक की आमद 10 साल बाद है लेकिन गुरु घर दे विच जो उन्हां दी आमद है गुरु घर नाल जो उन्हां दा रिश्ता है
ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚਾਰ ਭਰਾਤਾ ਤੇ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਪੂਜਣ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਛੂਟਣ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਸਰਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਲਬ ਦੇ ਹੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਹਗੀਰ ਆਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਢਾਬੇ ਬਣ ਗਏ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਹਲੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਬੜੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਦੋਰੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਫਲਾਣ ਟਮਕਾਣ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵੀ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਆ ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ
इस तरह करो बई तुसी रात ते कटनी है किते रात नूं ते सफर करना कोई नहीं। इस करके इंज करो भी अज साढ़े इत्थे मेरा घर है उत्थे रात नूं निवास रखो नाले तुहाडे बचन बिलास होर सुणांगे सवेरे इत्थों आप जी अगला पेंडा तय कर लिओ। वह महात्मा मन गया। गर्मियां दे दिन सन ते रात नूं कोठे दी छत दे उत्ते जदों लेटे विश्राम करन वास्ते गल्लां बातां करदिआं करदिआं वह महात्मा कहिंदा बई तुसीं बातां बड़ियां चंगीआं करदे हो, तुहाडा जीवन बड़ा अच्छा लगा, मैनूं तुहाडा गुरु कौन है। जदों ये शब्द सवाल अज तक किसी ने नहीं सी पुछया बई तुहाडा गुरु कौन, कहिंदे गुरु बाबा अमरदास जी कहिंदे अजे तां मैं ढूंढ रहा हाँ, अजे धारण नहीं कीता। वो इक्के दा मुठिया बड़ा गुस्से विच क्रोध विच कहिंदा मेरा ते कर्म धर्मी भ्रिष्ट हो गया, क्यों मैं नगुरे दे नाल सफर कीता, नगुरे नाल गल्लां कीतियां, नगुरे दे घर आया, नगुरे नाल बैठ के खादा, मेरा ते सारा कर्म धर्मी चला गया, मैं एक खिन भी नहीं रह सकदा। बाबा अमरदास जी तरले कढ़दे ने पर उह लै के समान अपना रात नूं घर दे विच्चों चला गया, हुण उह ते इन्ना कह के चला गया। बाबा अमरदास जी नूं इह बातां जिहड़ियां ने अंदर नूं झंझोड़ दिता बई तूं अजे तक नगुरा गुरु वाला नहीं बणिया। और आपां गुरबाणी च वचन पढ़दे हां गुरमंत्रहीन अस्य जो प्राणी, जदों सतगुरां ने साढ़े वास्ते उपदेश कीता और महाराज सच्चे पातशाह सोचते भी मैं अजे तक गुरु वाला नहीं बनिया, वह सारी रात नींदर नहीं आई। शब्द ते आपां भी कई वारी बहुत शरीर ऐसे होणगे जिन्हां अजे तक गुरु धारण नहीं कीता। तां प्यारिओ बेनती है, धन गुरु अमरदास महाराज का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हां, अपना भी अंदर किते झंझोड़िया जाए भी की सोचते हाँ, हाए अगली विसाखी नूं गुरु वाले बन जाएंगे, अगले इस टाइम नूं बन जाएंगे, लेकिन कदों किन्नी वार सुनते हैं भी नगुरे बंदे दा जिहड़ा पार उतारा नहीं हो सकता। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बाबा अमरदास जी होना ने रात सुते नहीं, अमृत वेला हो गया और गुरु अंगद देव पातशाह महाराज की धी बीबी अमरो जिहड़ी सतगुरां दे भतीजे भाई जसू नाल व्याही होई उन्हें अमृत वेले उठ के मधाणी पाई दुध रिड़कना शुरू किया नाल गुरु की बाणी। ये साडा जीवन सी, गुरु की धी है तो गुरु की बाणी पढ़ेगी, गुरु की बाणी पढ़ी तो जदों ये शब्द सरवण किया न मारू महला पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दो लेख पे ज्यों ज्यों किर चलाए त्यों चलीए तौ गुण नाही अंत हरे। ये अखीरले बोल सन भया मनूर कंचन फिर होवै जे गुर मिले तनेहा एक नाम अमर तो देवै तो नानक त्रिष्टस देहा। बाबा अमरदास जी कहिंदे तां मेरे अंदर दी हालत है। और बीबी अमरो जाके उन्हां दी सस है जो सतगुरां दी भरजाई लगती माई बीबी भागो उन्हूं जाके आख्या, जदों धी ने फिर शब्द सुनाया आख्या मैनूं उस दाते तक लैके चल। कहिंदे हुण तां मेरे पिता गुरु अंगद देव पातशाह लैके नाल गए। गुरु अंगद देव पातशाह महाराज के चरणों में खडूर साहब बाहर खिलार के कहिंदे ने मैं पिता जी होना नूं पुछ लवां एक बार। अंदर गए तो धन गुरु अंगद देव पातशाह महाराज धी नूं मिल के कहिंदे ने धीए जिन्हों नाल लैके आई हाँ वह कित्थे है। तो बीबी अमरो कहिंदी जी वह तां बाहर है। आख्या जिहड़ा हुण तक बाहर फिरदा रहा उहनूं अज वी बाहर छड आई है अंदर लैके आ। बड़ी वड्डी रमज सी। हुण मिले दे तो पहला भी कई वारी सन पर जदों अगाह होए महाराज ने चादर की बुकल मारी सी तन ते। सतगुरां ने कुड़माचारी होने के नाते बाहां कढ़ियां ते जफ़ी पाउण दा यतन कीता। अक्सर धी वाले पुत्र वालियां नूं जिवें मिलदे आ, लेकिन बाबा अमरदास जी गल वकड़ी पाउण की बजाय दोवें हथ जोड़ के चरणां दे विच डिग पै धन गुरु अंगद देव पातशाह दे ते आख्या दाता अज मैं कुड़म बन के नहीं पुत वाला बन के नहीं मैं तेरा सेवक बन के आया, मैनू सिख बना अपना, मैनू अपने दर नाल जोड़। और सतगुरां ने कृपा की फिर असी इतिहास पढ़ते हाँ वह दिन चलिया तो 12 साल घालना घाली मेरे दाते ने उस धन गुरु अंगद देव पातशाह महाराज दर ते। 1 साल बाद एक सिरपाओ मिलता खडूर साहब की धरती ते, लोगों ने ताने भी मारे टुकड़ दा मारा आके दर ते बह गया कई कोई शब्द कह, लेकिन सुन सखीए प्रा मिल निशानी मन तन अर्प तज लाज लुकानी। लोगों दी गल्लां दी परवाह ना कर गुरु की खुशी लैनी। जुलाई तक ने जिहो जे शब्द कह, लेकिन जिदन आख्या ना अज लेट आया जा लैके आख्या दाता मैं डिग पिया सां ते गुरु अंगद देव पातशाह कहिंदे पुरखा मैं हुई ते उड़ीक करदा सां
इस दर ते कोई डिगदा ही नहीं, जिदन डिग पवे गुरु चुक के गल ना ला के तखत ते बिठाउन लग्या देर नहीं लाउंदा। किते सानू भी डिगना आ जाए, मालक दे दर ते टहना आ जाए। और जेडे फिर उत्थे वर दिते आंदे जी मैनू नथावां आख्या जुलाई ने, महाराज कहिंदे तुम हो निमानण माण, करो नितानें तां न्योटियां दी ओट, न्यासरियां दे आसरे, नितरियां दी तिरन, गत्तियां दी गत, ने पत्तियां दी पत्त। कहिंदे तुसीं इह सब रहमतां दे मालक महाराज ने ऐसे वर दिते। और दाता जी फिर तखत ते बैठ के जिहड़ियां रहमतां मेरे मालक ने, मेरे दाते ने, धन गुरु अमरदास महाराज ने 17 रागां विच गुरबाणी उचारण कीती, जिस बुढ़ापे नूं लोक रोगां दा घर कहिंदे सन, महाराज कहिंदे गुरु की मेहर वरत जाए ते उस 74 साल की उम्र विच वी आनंद साहिब वर्गी बाणी का उचारण किया जा सकता है, जिहड़ी सानूं आनंद दिंदी है। मेरे मालक ने 22 मंजियां 52 पीड़े थाप के प्रचार दा, तां करके गोइंदवाल साहिब नूं सिक्खी दा तुरा आख्या जांदा है। मेरे दाते ने गोइंदवाल साहिब की धरती ते फिर वह रहमतां बौली साहिब का निर्माण करवा के, और केवल रूहानीयत का पक्ष ही नहीं, जिहड़ी सती होण वर्गी प्रथा एडा कोड़ चंबड़िया सी, पति मर जाए ते पत्नी नूं नाल ही मरना पैंदा सी, उहदे विरोध विच महाराज ने आख्या सतियां इहना आखिन जे मड़िया लग जलन, महाराज ने उहदे उत्ते रोक लाउण दी गल कीती। सद वर्गी बाणी जिहनूं बाबे सुंदर ने अखरी जामा पहनाया, वसीयतनामा कारज करके दाते ने दस्या कि भाई सिखा जिदन कोई शरीर चढ़ाई कर जाए तो करना की है। वह दाते ने कैसिया रहमतां वरताईया, तां ही जिहड़े भट्ट साहिबान ने बचन आखे ने, कन हर बूंद बसो रोमावल, कुसम बसंत गणंत न आवै, रव सस किरण उधर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पालु नै जो गावै, पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावै। समय की मजबूरी है, सतगुरां की जिनी भी आपां करिए वडियाई करिए उतनी थोड़ी, आओ ये पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए। तेरी उपमा तोहे बाणे आवै, तेरी उपमा तोहे बाणे आवै, उपमा तोहे बाणे आवै, तेरी उपमा तोहे बाणे आवै, पल्ले अमरदास गुण तेरे, पल्ले अमरदास गुण तेरे, पल्ले अमरदास गुण तेरे, पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बाणे आवै, तेरी उपमा तोहे बाणे आवै। आप सारिया संगतां नूं धन गुरु अमरदास महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े दियां बहुत बहुत मुबारकां वधाइयां होण जी, होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।